यार तुम ना पराठे कितने करारे कर देती हो, जल्दीबाजी बहुत करती हो। गैस को तेज मत रखा करो, मीडियम पर सिकते हैं पराठे और पकौड़े तो। नीरजा कुछ ना बोली, बस चुपचाप गैस की आंच मीडियम कर दी। सब्जियों में तड़का मारो, तब मसालों की खुशबू आएगी। और हाँ, मसालों को थोड़ी देर तेल में रहने दिया करो, तुरंत सब्जियां मत डाला करो। जब भी पुलाव बनाओ तो उसे चमचे से खोसा मत करो, काहे की जल्दी में रहती हो भाई तुम। ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो शायद हर उस घर में सुनाई देते होंगे जहाँ पर मर्द को खाना बनाना आता होगा। अब नीरजा विनोद को कैसे समझाए कि घर में कुल मिलाकर 7 लोग हैं, और अगर वो एक पराठे पर 5-7 मिनट लगाएगी तो घर वाले उसे खा जाएंगे। विनोद अच्छा खाना बनाता है, पर बनाता कितना है? 2 पकौड़े, 1-2 पराठे, कभी कभार चाय और कभी बनती हुई सब्जी में आकर चम्मच हिला जाना बस। पर नुक्स निकालना तो आदत सी हो गई है। पिछली बार जब नीरजा की ननद आई थी तो भाई की तारीफ करके बोली, कुछ भी कहो, भैया के हाथों में जो स्वाद है वो भाभी के हाथ में नहीं। अरे खाना बनाना एक आर्ट है, और नीरू तो बस उसे काम समझकर पूरा करती है। जब तक हम खाना बनाने को काम समझेंगे तब तक उसमें वो स्वाद सामने वाला कभी महसूस नहीं कर पाएगा। विनोद गर्व से खुश होकर बोला, ऐसी बात नहीं, खाने को बनाने में जितना वक्त लगता है मैं उतना वक्त देती हूँ विनोद, और जिस तरह की डेकोरेशन चाहिए वो भी करती हूँ। रही बात आपके अनुसार समय की, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक पराठे के लिए मैं इतना टाइम देने लगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। तुम तो बिना सोचे समझे जो हाथ लगता है वो सब डाल देते हो, पर मुझे तो सबकी हेल्थ भी देखनी पड़ती है और घर का बजट भी। लेकिन उसकी भीगती आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ी। सुनो, शाम को कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करना। नीरजा ने पूरे मन से ढेर सारी तैयारियां करी, काफ़ी कुछ बनाया, स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट, सब कुछ तैयार था। सब कुछ बहुत अच्छा और टेस्टी लग रहा था, बस विनोद का अप्रूवल बाकी था। सुन, नीरू ने सारी तैयारी कर ली है, पूरे दिन से लगी हुई थी, तो क्या हुआ, काम है उसका। और फिर मैंने भी तो उसको टाइम से पहले ही बता दिया था ना, तो प्रिपेयर तो होना ही था। हाँ, पर तू तारीफ ही करना उसकी। माँ की बात को अनसुना करता हुआ विनोद किचन में पहुँचा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पर विनोद ने कहा, ये मंचूरियन की ग्रेवी इतनी पतली क्यों बना दी? मंचूरियन बनाया है तो फिर कोफ्ते क्यों बनाए साथ में? और कम से कम हरा धनिया तो डाल देती। अगर खाना देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। पर तुम तो कम से कम मुझसे मेन्यू डिस्कस तो कर लेती। विनोद, जब तक वो लोग आएंगे मंचूरियन की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए पतली रखी। और ये कोफ्ते मेन कोर्स के लिए हैं, ग्रेवी बना रखी है, बाद में उसमें डालूंगी। हरा धनिया भी काट के रखा है, अभी से डाल दूंगी तो काला हो जाएगा। और देखो ना, मैंने डेजर्ट में, रुको नीरू, मम्मी जी ने बीच में आकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है इसको सफाई देने की। विनोद, अगर तुम्हें ये खाना अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं दिख रहा है, तो तू उनके लिए या तो बाहर से ऑर्डर कर दे या फिर खुद बना ले, ये खाना हम खा लेंगे। खैर, ऐसा तो होना नहीं था, मेहमानों को नीरजा के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया, दिल खोलकर तारीफ भी करी। तारीफ होनी भी थी, क्योंकि खाना तो नीरजा बहुत ही अच्छा बनाती थी, बस विनोद को ऐसा नहीं लगता था। अगले दिन संडे था तो मम्मी जी ने विनोद को किचन की जिम्मेदारी दे दी। उनका कहना था कि विनोद पहले एक दिन उस सो कॉल्ड आर्ट को करके दिखाए जिसके बारे में वो हर दिन नीरू के पीछे पड़ा रहता है। अब संडे को तो विनोद सोकर लेट उठता है, तो 8 बजे तक विनोद उठा। मम्मी जी पापा जी की सुबह की चाय स्किप हुई, किसी तरह विनोद ने 8:30 तक चाय चढ़ाई, पर भूल ही गया कि पापा जी चाय में चीनी नहीं लेते। बच्चों को नीरजा दूध में तुलसी और अदरक उबाल कर देती है, पर विनोद ने सादा दूध पकड़ाया। अब बारी आई नाश्ते की, जो ब्रेड बटर से पूरी हुई। दोपहर में बच्चों ने फरमाइश की कि पापा, आज आप खाना बना रहे हो तो हमें मिक्स वेज पकौड़ा ही चाहिए। हमेशा जब विनोद कुछ बनाने किचन में आता तो नीरजा एक सहयोगी की तरह सब कुछ रेडी रखती, उसे सिर्फ आकर मेकिंग करना होता। पर आज तो मेकिंग से पहले कटिंग भी करना था। सब्जियों की कटिंग को लेकर हमेशा नीरजा पर छीटाकशी करने वाला आज खुद आलू प्याज की मोटाई को नज़रअंदाज कर रहा था, जो नीरजा से हरी मिर्च कटवाने के बजाय कुटवाता था। आज उसी ने हाथ से उसके 3-4 टुकड़े करके डाल दी थी। अदरक लहसुन की स्मॉल चॉपिंग के लिए उसने नीरजा की जान खा रखी थी। आज सब कुछ भूल भाल कर बस मोटे मोटे टुकड़े डाल रहा था। अरे अरे, ये क्या कर रहा है विनोद, तू तो अपनी ही आर्ट भूल गया। तूने ही बताया था ना कि पकौड़ों को मीडियम पर तलते हैं, और सब्जियां भी बहुत मोटी मोटी काटी हैं तूने तो। प्लेटफॉर्म भी कितना गंदा कर रखा है, तुझे तो गंदा पसंद ही नहीं था। और क्या तू आज सेल्फी नहीं लेगा अपनी आर्ट के साथ? नहीं मम्मी, कहाँ इतना टाइम है कि सेल्फी भी लूँ और ये सब भी करूँ। प्लेटफॉर्म पड़ा रहने दें, एक साथ ही साफ कर लूँगा।
सब्जियां कैसी भी कटी हों, स्वाद तो सेम ही रहेगा। बच्चे इतनी जल्दी मचा रहे हैं कि ये सब फालतूगिरी करने का टाइम कहाँ, बोलते बोलते रुक गया। उसे नीरजा की कही हर एक बात याद आ गई। उसे समझ आ गया था कि नीरजा उसे क्या समझाना चाहती थी। मेरी ज्ञानी माता जी और अन्नपूर्णा पत्नी जी, मैंने अपनी भूल मान ली। समझ गया कि मैं इसको दिमाग के आर्ट से जोड़ रहा था और तुम दिल की भावनाओं से खाना बना रही थी। मुझे माफ़ कर दो और अपना किचन संभालो। आज के बाद तुम्हारे डिपार्टमेंट में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। विनोद ने हाथ जोड़ लिए। पापा, क्या आज पकौड़े मिलेंगे या बाहर से ऑर्डर करें? सोनू की बात से सब खिलखिला उठे।